मुफस्सिल थाने में कार्यरत चौकीदार शबीर अहमद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त सहित दो अपराधी अभी भी पुलिस की चंगुल से बाहर हैं। आपको बता दें, दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने आज प्रेस वार्ता कर बताया, चौकीदार शब्बीर अहमद की हत्या राजेश अंसारी उसके गिरोह द्वारा की गई थी। राजेश अंसारी उसके गिरोह के सदस्य दो मुहानी के आसपास क्षेत्रों में अपराध करते थे, जिसकी निगरानी स्थानीय चौकीदार शब्बीर अहमद द्वारा किया जाता था, जिस कारण इन अपराधियों को अपराध करने में दिक्कत होती थी और पकड़े जाने का भय लगा रहता था। इसी कारण से अपराधियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से स्थानीय चौकीदार की हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार चार अभियुक्तों में से जिगर खान साकिन जरुआ डीही थाना नगर, विकास कुमार सिंह साकिन राखावनी थाना नगर, सुभान अंसारी साकिन दोमोहानी थाना मुफसिल एवं गोपाल शाह साकिन ढाका थाना शिकारीपाड़ा का रहने वाला है, जबकि राजेश उर्फ रिजवान अंसारी मुख्य आरोपी साकिन दोमोहानी थाना मुफसिल एवं विशाल यादव साकिन नेशनल स्कूल के पीछे थाना नगर अभी पुलिस के चंगुल से बाहर है। पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त खून लगा चाकू, मृतक का टॉर्च एवं हत्या में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। अहमद ड्यूटी पर थे और उसी दरमियान उनकी हत्या हुई। एक क्रिमिनल गिरोह है, उसके द्वारा ये घटना कारित किया गया था, जिसमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में चाकू भी बरामद कर लिया गया है, जो जिससे जो है कि हत्या की गई थी, और साथ साथ दो अन्य लोग अभी फरार हैं, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। सर, क्या बात सामने में आया सर पुलिस के सामने उनकी चौकीदार की हत्या करना? चूँकि ये लोग जो भी कारित किए थे, हत्या जो किए थे, मर्डर, ये खुद क्रिमिनल गिरोह के थे, मैं सदस्य थे, और ये इनके मूवमेंट का और सारा इन्फॉर्मेशन चौकीदार द्वारा पुलिस को दिया जा रहा था। ये इसको रास्ता से साफ करने की नीयत से इसको हत्या कर मार दिया गया। अपराधी के द्वारा कई थानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे जो उसकी गाड़ी को जला गया जामा थाना क्षेत्र में, फिर जो बॉर्डर इलाके में किया, तो मकसद क्या अपराधियों का इसको मारने, किस तरह से वहाँ तक? नहीं, जब भी कोई अपराधी कोई अपराध करता है, उसके बाद में वो कोशिश करता है कि जो भी सबूत है, उसको एविडेंस है, उसको मिटा दें। इसी क्रम में जो अपराधी थे, वो प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल, उसको कहीं चोरी की मोटरसाइकिल से काबित की गए, साथ साथ जो अल्टो गाड़ी था जो चौकीदार का था, उसको भी जला दिया गया, साथ में मोबाइल को फेंक दिया गया। तो इससे जो है कि इनकी मनोदशा को दर्शाता है कि हम कारित करके, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे, इन्होंने एविडेंस मिटाने का कोशिश किया। कितने अपराधी हैं सर गैंग में और कितने? करीब 6 से 7 अपराधी इसमें कुल हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। लाल निर्माण का भरोसा, लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।